الان بهت میخواد بره هند. رومینا میخواد که بهت رو سورپرایز کنه، میخواد ببوستش و سورپرایزش کنه. بدم زود بره بود یه ماه کارا رو بکنه رو رومینا برگرده. حالا ببینیم لحظه یه سورپرایز شدن رومینا رو. و طلاه، فکر نکنی طلا نیستا. ببوسش، وید ببوسش، بگیرش تو بغلت. گیر نکن رومینا، یه ماهه، بیشتر که نگیری میکنی خواهرم. हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज फिर एक नया ब्लॉग, और इन दो दिनों में क्या हुआ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। और मैं अभी निकल रहा हूं एयरपोर्ट के लिए, और ये मेरे सारू भाई है, ये मुझे वहां ड्रॉप करेंगे। और मैंने आपकी भाभी को और विवान को बाय बोल दिया है, और वो लोग रो रहे थे। बट वो लोग जल्द ही इंडिया आएंगे और फिर आप लोग हम तीनों को साथ में देखेंगे। यह है जाहेदान की सड़कें और यहाँ के घर, और मुझे दुख है कि मैं आपको जाहेदान नहीं घुमा सका, और यहाँ का जो सिख कम्युनिटी है मैं उनसे आपको नहीं मिला सका, और गुरुद्वारा भी नहीं दिखा सका। मेरी अभी की फ्लाइट जाहेदान से तेहरान की होने वाली है। मैं जाहेदान तेहरान फ्लाइट में बैठ चुका हूं, और मुझे लास्ट सीट मिली है फ्लाइट में, और ये है एयरलाइन। ऊपर से ना गिरे तो ठीक है, इनके पास सारी की सारी फ्लाइटें पुरानी हैं, क्योंकि इनको तो नई तो मिलनी नहीं है। मैं पहुंच गया तेहरान, और अभी सामान का वेट कर रहे हैं बैगेज एरिया में, फिर यहां से निकलते हैं। मैंने अपना बैगेज ले लिया और हम लोग निकल चुके हैं जहां हमें जाना है, और ये है मेरे साले साहब। ये है कैपिटल सिटी तेहरान, और यहाँ की सड़कें और चलती गाड़ियाँ। तकरीबन 1.5 घंटे हो गए अभी तक ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं। मैं अभी हूँ अपनी साली के घर में, यानी कि रोमिना की एक और सिस्टर है, यहाँ पर रहती है अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ। तो मेरे साले साहब ने मुझे यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मुझे इनके पास जाना था, और ये ज़ीबा शहर है, तकरीबन 20 किलोमीटर पहले है कासबिन सिटी से। मेरे साले साहब वहाँ रहते हैं, बट उनकी सिस्टर यहाँ पर रहती है, तो मैं यहीं पर रुक गया, और वो अभी घर में नहीं है, बट मैं आपको उनसे ज़रूर मिलाऊंगा। तो आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। आपको पिछले वीडियो से पता ही चल गया होगा कि मेरा पासपोर्ट मुझे 9 जून को मिला। उस दिन हमने पैकिंग की, फिर हम 10 जून को हम चौबहार से निकल गए जाहेदान की तरफ, और पूरा दिन हमने ड्राइविंग किया, और रात को पहुंचे तो वहां पर हमने एक फ्रेंड के घर में स्टे किया। फिर अगला दिन शुरू होता है। इस दिन हमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के चक्कर काटने थे, क्योंकि मेरा वीजा का इशू था,
तो हम ट्राई करना चाहते थे कि कुछ दिन एक्सटेंड करते हुए से ताकि हम इजीली कंफर्टेबली जा सके इंडिया। तो काफी ऑफिस के चक्कर काटे, फिर फाइनली एक ऑफिस ने एक लेटर दे दिया कि हाँ इनका वीजा एक्सटेंड कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए। जब हम लेके गए उस लेटर को कंसर्न डिपार्टमेंट जो वीजा एक्सटेंड करता है, तो उन्होंने तो वो लेटर देखा भी नहीं, सीधा पासपोर्ट देखा और कह दिया कि तुम्हारा वीजा एक्सटेंड नहीं होगा, तुम्हें यहां से जाना ही होगा। तो समझ गए कि चलो भाई अब तो कुछ नहीं होने वाला। तो हमने फोन लगाया फिर इंडियन कॉन्सुलेट को जो जाहिदान में है। मैं पहले ही उनको स्टोरी सारी बता चुका था और फिर मैंने फोन किया उन्हें कि क्या आप कॉन्सुलेट में है अभी, हम आना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ हम यहीं पर है। तो गए वहां पर, उन्होंने बिठाया, सब कुछ पूछा, तो हमने सारा कुछ शेयर किया उनके साथ, क्या क्या हुआ, कैसी कंडीशन थी। तो उन्होंने एक सीधी सी बात बताई, उन्होंने कहा कि हम भी यहाँ पर मजबूर है और यहाँ की गवर्नमेंट का अपना ही एक सिस्टम है, वो किसी की नहीं सुनेगी, उनकी अपनी मर्जी चलती है। तो एक काम करो, तुम्हारे पास तो सिर्फ 4 दिन बचे हैं, तो बेहतर है कि तुम यहां से निकल जाओ, नहीं तो ये तुम्हें किसी चीज में फंसा देंगे और अंदर डाल देंगे और एक और इश्यू हो जाएगा और तुम्हें निकालना और मुश्किल हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि तुम निकल जाओ, तुम्हारी फैमिली तुम्हें बाद में ज्वाइन कर लेगी। तो फ्लाइट का भी इशू था कि फ्लाइट नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि एक फ्लाइट जा रही है, तो वो फ्लाइट जा रही थी फ्राइडे को, और किस्मत ठीक थी मेरी की कि मेरी लास्ट डेट भी जो वीजा की थी वो 15 जनवरी ही थी। तो मेरे पास 4 दिन बचे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास समय बहुत कम है, तुम निकल जाओ, कि तुम्हें अभी कोरोना टेस्ट भी करवाना पड़ेगा और तुम्हें टिकट भी लेनी पड़ेगी, तो तुम यहां से निकल जाओ। अब बात रही कि मेरे बेटे का पासपोर्ट का इशू था, तो पासपोर्ट लेना था, इंडियन पासपोर्ट लेना था। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम इसका बर्थ सर्टिफिकेट ट्रांसलेट करवा लो इंग्लिश में और सारे डॉक्यूमेंट के साथ अपनी वाइफ को यहाँ पे भेज देना, मैं सारा अरेंजमेंट कर दूंगा, बना दूंगा, और तुम्हारी वाइफ और बच्चा तुम्हें इंडिया में ज्वाइन कर लेंगे बाद में, बट तुम अभी यहां से निकल जाओ। वहां के जो हेड थे इंडियन कॉन्सुलेट के, उन्होंने काफी हेल्प की, काफी मदद की, और उन्होंने सारा अरेंजमेंट्स किया, उन्होंने मेरा रजिस्टर किया और सब कुछ हो गया। फिर वहां से हम निकल गए और मैंने जाहिदान टू तेहरान टिकट बुक कर ली, और अगला दिन था 12 जनवरी का, जिस दिन मुझे जाना था। तो मैंने रोमिना और विवान को बाय कहना पड़ा क्योंकि मुझे अकेले ही जाना था। मुश्किल तो है कि फैमिली को छोड़ना और अकेले आना, बट कोई और रास्ता भी नहीं था। कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिनों के बाद तो वो इंडिया में मुझे ज्वाइन कर लेंगी और आप लोग फिर हम तीनों को एक साथ देखेंगे। ये तो जिंदगी का कुछ हिस्सा है, कभी ऊपर नीचे चलता रहता है। तो ये थी अब तक की स्टोरी। अभी मैं काजविन में हूँ और यहाँ भी कुछ ब्लॉग तो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि कुछ 2 दिन है मेरे पास, कुछ घंटे हैं, तो इसी बहाने आप भी कुछ जगह घूम लेंगे यहाँ पर। तब तक के लिए अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।